तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद भारत में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा निवेश आया है, जिसकी मदद से भारत में कुछ एडवांस हाइब्रिड प्रोजेक्ट को बनाकर के तैयार किया जाएगा, जो भारत के पावर जनरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे इंडियन कंपनी प्रीमियम एनर्जीज और अज्योर पावर ने मिलकर के लगभग 4,000 करोड़ रुपए निवेश की अनाउंसमेंट की है, जिसकी मदद से भारत में सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिनको लेकर के आज भी भारत चीन ताइवान कोरिया और जापान जैसे देशों पर निर्भर है। और अब नजर डालते हैं कि भारत में अमेरिका की तरफ से आखिर कौन सा निवेश आ रहा है। तो यहाँ पर रिसेंटली रिपोर्ट से ये पता चला है कि जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो भारत में अपने नए तरीके के प्रोजेक्ट को बनाने वाली है, जहां पर सोलर बैटरी और स्टोरेज कैपेसिटी तीनों एक साथ ही कनेक्ट होंगी। इसी को हाइब्रिड प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर कंपनी की ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पर कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता को 3 गुना ज्यादा बढ़ाएगी। और बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की यहां पर यह है कि 2022 के लास्ट तक ही यहां पर इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओवरऑल कैपेसिटी की बात की जाए तो प्रोडक्शन बढ़ने के बाद लगभग 9 गीगावाट पर ईयर की सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन भारत में होने वाला है, जिसको फ्लेक्स इन्वर्टर भी नाम दिया जा रहा है, जो एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है और जो भी मेथड्स होने वाले हैं प्रोडक्शन के लिए, वो विश्व स्तरीय लेवल के होंगे। और इस फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री इंटीग्रेट पावर कन्वर्जन प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी मदद से सोलर इन्वर्टर, मीडियम वोल्टेज पावर ट्रांसफर और एक पूरी बैटरी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा, जो 20 फीट ऊंची एक कंटेनर के अंदर पैक्ड होगी। एंड जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा करती है कि उन्होंने अभी तक दुनिया भर में लगभग 400 गीगावाट से भी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स को बना करके लॉन्च कर दिया है, जिनका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और इनका ये भी मानना है कि 90% वर्ल्ड वाइड ग्रिड सॉल्यूशंस भी इन्हीं के पास हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे स्टील हो, ऑटोमोटिव कंपनियां हो, सभी को रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि कार्बन इमिशन को काफी हद तक रोका जा सके। और यहां पर कुछ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। दिन के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं, लेकिन रात के टाइम पे उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं जो कोयला या फिर थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। ऐसे में पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए कंपनी की तरफ से ये हाइब्रिड सॉल्यूशन लाया गया, जहां पर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी होगी और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को हम रात में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे पहले भारत में आर्किटेक कंपनी ने भी अनाउंस किया है कि वो 3 गीगावाट की अपनी प्रोडक्शन क्षमता को लॉन्च करेंगे, जिसमें कंट्रोलर्स और बहुत सारे ट्रैकर सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ताकि हम सोलर पैनल से मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें। कंपनी के इस प्रोजेक्ट में जो भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे, जैसे जैसे सन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, वैसे ही वो सोलर पैनल्स उस डायरेक्शन में घूमते चले जाएंगे। और इसकी मदद से ऑलमोस्ट हम 50% पावर को डायरेक्टली स्टोर कर पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट 2022 में भारत के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत में होने वाले अमेरिका के इस नए तरीके के प्रोडक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।